फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है प्रांतोष्टिक चैनल पे। देखिए, ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए, सामने का पोर्शन खुला हुआ है। ये जो है दोस्तों, एनएक्स ऑडियो का जो है प्रोटोन आरएक्स 4000 वाला एम्पलीफायर है। इसको डिज़ाइन देख के आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, ये एम्पलीफायर मेरे पास आया हुआ है। तो ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, ऐसे खुल के आया था मेरे पास। इसमें कुछ नट वगैरह होगा, इसका स्क्रू वगैरह। तो ऐसे ओपन एम्पलीफायर है, तो इसका वायर ऐसे अलग से निकल के रखा है। और इस पर एक जो टर्मिनल भी टूटा हुआ है, ये बनाना टर्मिनल, बाकी नीचे तो तीन ठीक ठाक है। और पीछे का सेक्शन वही है जैसा है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। मतलब ये जो एम्पलीफायर है जैसे बने बनाए आता है कंपनी से, वही वाला एम्पलीफायर है। लेकिन ये बहुत पुराना है दोस्तों, और ये बहुत बार रिपेयर हो चुका है। चलिए, इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताता हूँ, और इसका सॉल्व भी हम बताएंगे धीरे धीरे। चलिए देखिए, ये तो जोन ए भी हो गया, दो चैनल ए इसमें होता है। ये ट्रांसफार्मर है, ये पावर सप्लाई है, और इसमें फ़ैन वगैरह लगा हुआ है। दो फैन है इसमें, पीछे का बैक पैनल है, और आगे में एक जो है ये सॉफ्ट स्टार्टर वाला है। ये डायरेक्ट किसी से सॉफ्ट स्टार्ट काम करता है, ये वाला सॉफ्ट स्टार्टर है। और इसके आगे दो वॉल्यूम नॉब है, और सिग्नल इंडिकेटर है इसमें, और प्रोटेक्शन डिटेल्स इसमें है। ये है इसका दोस्तों नॉर्मल सा व्यू। और ये एम्पलीफायर जो आया हुआ है दोस्तों मेरे पास, ये वाला एम्पलीफायर रेडी एम्पलीफायर है, ठीक है। ये चलता है, लेकिन फिर भी मेरे पास रिपेयर करने के लिए आया। मतलब ये क्रिटिकल फॉल्ट है इसमें, जो रिपेयर करने वाला वो रिपेयर कर नहीं पा रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए, ये जो एम्पलीफायर है इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुका है। मतलब एक एक बंदे के पास गया है, रिपेयर वालों के पास गया है, और एक एक तरीके से उन्होंने रिप्लेस रिपेयर करके दिया है। अलग अलग कंपोनेंट सारे बिल्कुल अलग अलग इधर बिधर हो गया है। तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जब फील्ड में जा रहा है और लोड में ये ख़राब हो रहा है। लोड में मतलब ये तीन स्पीकर चला नहीं पा रहा है, दो स्पीकर भी बहुत कष्ट करके चला रहा है, मतलब वो भी ठीक से नहीं चल रहा है। और इसमें देखिए, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर आप लोग देख लीजिए, इतने ही इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर है। और इसमें जो है MJW03020G होगा, और इसका कंपेयर में पेयर में उसका उल्टा जो है NJW02810G ऐसा है, ठीक है। देखिए NJW281G इसका, ये बहुत बार रिपेयर हो चुका है, अलग अलग पेयर का हो चुका है। अभी इसका जो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक बार बता देते हो आप लोगों को। ये दोनों बोर्ड ही चालू है, दोनों बोर्ड चल रहा है, ये जोन भी चालू है, ये जोन भी चालू है। नहीं, जो एम्पलीफायर चलाता है वो बोल रहा है कि ये जब हम फील्ड में लगा रहा है चल तो रहा है ठीक ठाक, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है थोड़ी देर बाद, इसलिए मेरे पास रिपेयर करने के लिए आए। मतलब ऐसा क्रिटिकल फॉल्ट आता है मेरे पास। तो ये जो रिपेयर है दोस्तों, ये ड्राइवर सेक्शन को बिल्कुल अलग से रिपेयर करना पड़ेगा, बोर्ड को ओपन करके, वो भी आपको दिखा देंगे। चलिए, इसको पहले ऑन करके इसका ये चालू है कि नहीं वो एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद इसको रिपेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे मैंने सीरीज में एक स्पीकर लगा दिया हो और पावर सप्लाई भी कनेक्ट करते हो। अब इसको ऑन करता हूँ। चलिए देखिए, मैंने इसको ऑन किया हूँ, ये सेक्शन चालू हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसको ट्रिगर देंगे और वॉल्यूम खोल के देखेंगे ये ऑडियो आ रहा है कि नहीं। ऑडियो तो ठीक ठाक आ रहा है। मतलब ये ऑडियो आ रहा है, देखिए आउटपुट में मैंने सीरीज में लगा रखा है, तो सीरीज वाला बल्ब भी ग्लो हो रहा है। मतलब जो आउटपुट देना था वो तो दे रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास रिपेयर करने के लिए आया दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो है ये फील्ड में जाके ख़राब हो रहा है। इसको मेरे को देखना है और उसको पार्टी को आगे बताना है कि अभी ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसका ख़राब होने का कारण क्या है, मैंने तो पहले वाला नॉर्मल सा देख लिया आउटपुट में। चलिए मीटर लगा के आप लोगों को दिखाते हैं क्या है, वो आपको बता देता हूँ। देखिए आउटपुट का ये जीरो वॉल्यूम पे है, -144, 142, 143 ऐसा दिखा रहा है। ये जो है दोस्तों, इसका DCO आउटपुट आ रहा है। नॉर्मल सा जो है इसका DCO बहुत ज़्यादा है, इस DCO को बिल्कुल मेरे को जीरो के करीब लाना है, तभी ये एम्पलीफायर टिक पाएगा। आप लोग जब एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे तो ये जरूर ध्यान पे लीजिए कि आउटपुट DCO आ रहा है कि नहीं। अगर आता है तो आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा, ये अपने आप लोड लेते रहेगा अंदर से, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना है, यही चीज़ दिखाने के लिए ये वीडियो था दोस्तों। और ये रिपेयर कैसे होगा वो भी आपका नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं इसका दूसरे पार्ट के साथ।